मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटोमोबाइल्स और आईटी सेक्टर को लेकर कहा कि पुणे में ऑटोमोबाइल्स और आईटी सेक्टर के क्षेत्र में काफी आगे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में भी हैं। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर से यहाँ लोग आना चाहते हैं, विशेषकर ईवी के क्षेत्र में। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए लोगों ने रुचि दिखाई है, जमीन भी मांगी है और हमने 300 एकड़ जमीन ईवी पोर्ट के रूप में आरक्षित की है, क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, चाहे टू व्हीकल्स हो, ऑटो हो या फिर फोर व्हीलर हो। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की जो विशेषता है, लैंड बैंक हमारे पास है, 1,22,000 एकड़ जमीन अलग अलग हिस्सों में चिन्हित है। अगर आपको चाहिए तो आपको एक महीने के अंदर हम दे सकते हैं और आप इसे एक क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। हमने 300 एकड़ जमीन आरक्षित की है ईवी पार्क के रूप में, क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, चाहे टू व्हीलर हो, ऑटो हो, फोर व्हीलर हो, तो बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि इसमें दिखाई है। लैंड बैंक हमारे पास तैयार है, आज भी 1,22,000 एकड़ जमीन अलग अलग हिस्सों में जो चिन्हित है, अगर आपको चाहिए तो आपको एक महीने के अंदर हम दे सकते हैं और एक क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहां कहां हमारे पास लैंड के पीसेस हैं। चौहान ने कहा, जमीन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश आकर ही घूमें, आप पहले एक क्लिक से चेक कर लें और पसंद आए तो बाद में देख लें। उद्योगों के लिए जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है जो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो सस्ती जमीन हमें मुंबई पुणे से मध्य प्रदेश में उपलब्ध होगी। वो इंडस्ट्रीज जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसके साथ टाई अप करके इंडस्ट्रीज में जैसी स्किल्ड मैन पावर लगेगी उनको वह तैयार करके हम देंगे, ताकि स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षित कर और बाद में जब इंडस्ट्रीज खड़ी हो तो उनको रोजगार वहां पर मिल जाए। इसमें लोकल बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। ये भी जरूरत नहीं कि आप मध्य प्रदेश आके उन जगह घूमे, अगर पसंद आ गया तो फिर जाके देख आए। तो नंबर एक, जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कंपेरेटिवली अगर देखें तो सस्ती उपलब्ध है मुंबई पुणे के मुकाबले, अगर आप देखेंगे कास्ट की बात। तो एक सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का भी, जो हमारे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके भी प्रपोजल्स आए हैं कि वो इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसके साथ टाई अप करके उस इंडस्ट्री में जैसे स्किल्ड मैन पावर लगेगी उनको वो तैयार करेंगे, ताकि स्थानीय बच्चों को वो प्रशिक्षित करे और बाद में जब तक इंडस्ट्री खड़ी हो उनको रोजगार वहां मिल जाए, तो लोकल बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।